हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर मिडिवल आर्किटेक्चर, सोशल साइंस बुक, सेमेस्टर टू, ग्रेड सेवन से। ऑल एक्टिविटीज ऑफ मेन आर यूजुअली डन टू गेन हैप्पीनेस अलोंग विद अर्निंग एन इनकम। इंसान जो भी काम करता है या तो वो अपनी खुशी के लिए करता है या फिर उसको उससे कुछ पैसे मिलते हैं या वो पैसे कमाने की इच्छा से करता है। रूलर्स, फ्यूडल लॉर्ड्स एंड पीपल फ्रॉम रॉयल फैमिलीज gained a lot of pleasure from various arts. जो भी अब तक के राजा रहे, सामंत रहे या फिर जो शाही परिवार के लोग थे, उनको अलग अलग कलाओं से काफी ज्यादा एक तरह से आनंद प्राप्त हुआ। लिटरेचर, पेंटिंग, म्यूजिक, डांस एंड आर्किटेक्चर प्लीज ऑल। जो भी ये कलाएं हैं, चाहे साहित्य हो, पेंटिंग हो, म्यूजिक हो, डांस हो, आर्किटेक्चर हो, इन सब से जो है लोगों को खुशी मिलती है। Financially sound people constructed different structures to achieve fame, for contentment, for the welfare of the society, for faith, so that others could utilize them and seek pleasure. जिन लोगों के पास पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो लोग जो है अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर्स बनवाते थे ताकि उनको प्रसिद्धि मिल सके, अपनी संतोष के लिए, समाज की भलाई के लिए, एक विश्वास के लिए, और साथ ही साथ और लोग जो है उसका इस्तेमाल कर सके और उनको भी उससे खुशी मिले। मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स कंस्ट्रक्टेड पोसेस स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एरा। जो भी अब तक स्ट्रक्चर्स बनवाए गए थे, उसमें ज्यादातर जो एक फीचर्स होते हैं, खासियत होती है, वो उस दौर की जो है झलकती है। दे बिकम एग्जेम्पलरी वर्क्स ऑफ आर्ट, और ये सब जो है कला के बेहतरीन नमूनों में से एक है। हेंस दे नो लॉन्गर रिमेन प्राइवेट बट बिकम पब्लिक प्रॉपर्टीज, और इसी वजह से फिर वो प्राइवेट नहीं रह गए, वो एक तरह से पब्लिक प्रॉपर्टीज बन गए। Thus, the style in which a building is designed and constructed, especially with regard to a specific period, place or culture, is known as architecture. जिस तरीके से किसी बिल्डिंग को डिजाइन किया जाता है, बनवाया जाता है, खास तौर से एक पर्टिकुलर दौर की है, एक खास जगह की है, उसमें एक खास संस्कृति झलकती है, तो उसी को हम आर्किटेक्चर कहते हैं। गुजरात टू सॉ मेनी सच आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर्स बीइंग कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द वेरियड एरास। गुजरात ने भी इस तरह के बहुत सारे आर्किटेक्चरल नमूनों को कल देखा जिनको कंस्ट्रक्ट कराया गया अलग अलग दौर पे। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द मिडिवल आर्किटेक्चर इन इंडिया। अब हमारा जो इंडिया का मिडिवल आर्किटेक्चर है वो कैसा है उसे जानते हैं। सोमनाथ टेम्पल। द सोमनाथ टेम्पल इज लोकेटेड इन प्रभासपट्टन नियर वेरावल इन जूनागढ़, सौराष्ट्र, ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ गुजरात। गुजरात के वेस्टर्न कोस्टल एरिया में सौराष्ट्र जूनागढ़ में वेरावल के पास प्रभासपट्टन में सोमनाथ टेम्पल है। इट इज वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग श्राइन्स ऑफ द लॉर्ड शिवा। जो 12 ज्योतिर्लिंग धार्मिक स्थल हैं भगवान शिव से रिलेटेड, उनमें से ये एक है। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट, प्रॉस्पेरस एंड इम्पोर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर्स ऑफ शैविज्म। ये अपने आप में सबसे पुराना, सबसे संपन्न और सबसे इम्पोर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर माना जाता है, भक्ति स्थल माना जाता है शैविज्म का। करंटली ओनली द साइट ऑफ द ओल्ड टेम्पल इज सीन। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू टेम्पल वॉज कम्प्लीटेड बाई 1951। आज की डेट में सिर्फ जहाँ पुराना मंदिर था उस जगह को ही देख सकते हैं। नया मंदिर जो बना है वो 1951 में कंप्लीट हो गया था। इसके बाद दूसरा है द्वारकाधीश टेम्पल। द्वारका इज सिचुएटेड इन जामनगर डिस्ट्रिक्ट नियर द कोस्ट ऑफ गुजरात ऑन द नॉर्दर्न बैंक्स ऑफ रिवर गोमती। गोमती नदी के जो नॉर्दर्न बैंक्स हैं, वहां पर जो गुजरात का कोस्टल एरिया है उसमें जामनगर डिस्ट्रिक्ट के पास द्वारका जो है मौजूद है। Constructed in the 13th century, the temple became a part of the Char Dham pilgrimage considered sacred by Hindus in India. क्योंकि इसका निर्माण 13वीं सदी में हुआ था, तो ये जो टेम्पल है एक मुख्य हिस्सा बन गया चार धाम यात्रा का, जो कि हिंदूज के द्वारा इंडिया में बहुत पवित्र मानी जाती है। It consists of the four armed deity of Lord Krishna within the गर्भगृह and a महामंडप। इसमें जो है एक फोर आर्म्स वाले भगवान कृष्ण की मूर्ति है जो कि मेन गर्भगृह में है, और एक महामंडप है जो कि बहुत बड़ा सा प्रेयर हॉल है। One has to climb 80 steps to attain entry into this temple. इस मंदिर में आने के लिए लगभग आपको 80 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। Its shikhar rises to 6 stories, और इसका जो शिखर है वो लगभग 6 मंजिल ऊंचा है। The mandap is a 5 story structure built on 60 pillars. अब ये जो मंडप है ये 5 मंजिला स्ट्रक्चर है जो कि 60 पिलर्स की मदद से बना है।
The temple has rich carvings on its outer walls, but the interiors are relatively plain. ये जो टेम्पल है इसकी जो आउटर वॉल्स हैं, बाहर की जो दीवारें हैं उसमें बहुत अच्छे से नक्काशी की गई है, लेकिन अंदर की जो साइड्स हैं वो सब बिल्कुल प्लेन है. देयर इज अ मठ ऑफ श्रीमद शंकराचार्य नियर द टेम्पल. पास ही में मंदिर के श्रीमद शंकराचार्य का मठ है. आदि शंकराचार्य द 8th सेंचुरी रिफॉर्मर एंड फिलोसोफर हैड सेट अप मठ्स इन ऑल द फोर कॉर्नर्स ऑफ इंडिया एंड द द्वारकाधीश टेम्पल इज वन ऑफ द श्रीअर्धा पीठ सेट अप बाय हिम. आदि शंकराचार्य जो कि 8th सेंचुरी में थे, एक रिफॉर्मर भी थे, एक फिलोसोफर भी थे, उन्होंने इंडिया के चारों कोनों में मठ बनवाए थे और द्वारकाधीश टेम्पल जो है उन्हीं का एक शारदा पीठ है जो उन्होंने बनवाया था. द सन टेम्पल ऑफ मोधेरा. द सन टेम्पल ऑफ मोधेरा इन मेहसाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात इज अ टेम्पल डेडिकेटेड टू द हिंदू सन गॉड सूर्य. अब मेहसाना डिस्ट्रिक्ट जो गुजरात का है वहां पर सन टेम्पल है मोधेरा का, और ये टेम्पल जो है खास तौर से हिंदू सन गॉड जिसको हम सूर्य भगवान कहते हैं उनके लिए डेडिकेटेड है. इट वॉज बिल्ट इन 1026-27 CE बाय किंग भीमदेव वन ऑफ द सोलंकी डायनेस्टी. इसको सोलंकी डायनेस्टी के जो राजा थे किंग भीमदेव वन, उन्होंने 1026-27 CE में बनवाया था. द सन टेम्पल हैज अ यूनिक आर्किटेक्चरल डिजाइन. अब इस सन टेम्पल की अपने आप में एक बहुत ही अनोखी आर्किटेक्चरल बिल्डअप है. कंस्ट्रक्टेड ऑन अ हाई प्लिंथ द टेम्पल कंप्राइजेस ऑफ 3 सेपरेटेड एंड इंटीग्रेटेड एलिमेंट्स. अब ये काफी ऊंचे प्लेटफॉर्म पे नीव पे बनवाया गया है, इसकी वजह से इस टेम्पल में 3 अलग अलग और जुड़े हुए एलिमेंट्स है. पहला है गर्भगृह जहाँ पर मूर्ति रखी जाती है, बिल्कुल इनर मोस्ट एरिया. प्रदीक्षिणा पथ है और एक सभा मंडप है जिसे हम असेंबली हॉल कहते हैं. The mandap is in front of the sanctum and 52 beautifully carved pillars depicting the tales from Ramayana and Mahabharat and representing the 52 weeks of the years. ये जो मंडप उस पवित्र ग्रह के सामने है उसमें लगभग 52 अच्छे नक्काशी वाले खंबे बने हुए हैं जिसके ऊपर रामायण और महाभारत की जो टेल्स हैं, स्टोरीज हैं, वो दर्शाई गई हैं. साथ ही साथ ये 52 खंबे साल के 52 वीक्स जो होते हैं उनको भी बताते हैं, उनको दर्शाते हैं. एक्सक्यूसिट तोरंस अडोन द एंट्रेंसेस. और जो एंट्रेंस की गेट्स बने हुए हैं उन सब पे तोरण की बहुत अच्छी डिजाइंस बनी हुई हैं. द एक्सटीरियर ऑफ दिस टेम्पल इज इंट्रिकली कार्व्ड. जो बाहरी इसका आउटर स्ट्रक्चर है टेम्पल का उसे बहुत ही बारीकी से उस पर नक्काशी करी गई है. दिस टेम्पल हैज बीन डिजाइन इन सच अ वे दैट द सन रेज इल्यूमिनेट द सैंक्टम एट डॉन. ये जो टेम्पल है इसे इस खासियत से बनवाया गया है कि सूरज की किरणें जो हैं बिल्कुल सुबह सुबह इस पवित्र ग्रह पर पड़ती हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इक्विनॉक्सेस. खास तौर से जब इक्विनॉक्स का टाइम होता है यानी शरद और बसंत का महीना होता है. द सूर्य कुंड अ रेक्टेंगुलर स्टेप्ड टैंक एट द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल हैज एग्जेम्पलरी ज्योमेट्रिक फीचर्स. जो सूर्य कुंड है जिसे कि हम रेक्टेंगुलर स्टेप्ड टैंक कहते हैं और ये जो है टेम्पल के बिल्कुल एंट्रेंस पे है, इसमें भी कुछ ज्योमेट्रिक फीचर्स हैं जो बहुत खास हैं. विद इन्यूमरेबल स्टोन स्टेप्स एंड 108 मिनिएचर श्राइन्स चिजल्ड बिटवीन दीज स्टेप्स सूर्य कुंड इज अ साइट टू बी कैप्चर्ड एंड ट्रेजर्ड. बहुत सारी अनगिनत इसमें सोन जो पत्थर है उससे बनी सीढ़ियां हैं, साथ ही साथ 108 छोटे छोटे जो धार्मिक स्थल होते हैं उनको इन स्टेप्स में बीच में बनवाया गया है. तो सूर्य किरण को जो है देखते ही बनता है, बहुत ही वैल्यूएबल चीज है. अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर हिस्टोरियंस एंड आर्किटेक्ट्स अलाइक द मोधेरा सन टेम्पल लोकेटेड ऑन द वेस्ट ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज सिमिलर इन मेनी रिस्पेक्ट्स टू द कोणार्क सन टेम्पल सिचुएटेड टू द ईस्ट ऑफ द ट्रॉपिक. कहने को हिस्टोरियंस हो आर्किटेक्ट्स हो इनके लिए तो मुख्य आकर्षण का केंद्र है ही, साथ ही साथ ये जो मोधेरा सन टेम्पल है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के वेस्ट साइड में है काफी हद तक मिलता जुलता है कोणार्क सन टेम्पल से जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ईस्ट साइड में लोकेटेड है. रुद्र महालय. रुद्र महालय इज अ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट लोकेटेड इन सिद्धपुर इन पठन डिस्ट्रिक्ट ऑन द बैंक्स ऑफ सरस्वती रिवर इन नॉर्दर्न गुजरात. अब ये रुद्र महालय अपने आप में एक बहुत ऐतिहासिक बिल्डिंग है जो कि सिद्धपुर पटन डिस्ट्रिक्ट के अंदर सरस्वती नदी के किनारे नॉर्दर्न गुजरात में लोकेटेड है. दिस मैग्निफिसेंट टेम्पल
dedicated to Lord Shiva, called as the Rudra Mahalaya, was constructed by Mul Raj Solanki and then completed by Shri Siddharaj Jaisin, the then ruler of Patan. ये जो भव्य मंदिर है, ये भगवान शिव को डेडिकेटेड है, जिसको कि हम रुद्र महालय के नाम से जानते हैं। इसको कंस्ट्रक्ट कराया था मूल राज सोलंकी ने, और फिर इसको जो है उस समय जो पटन के रूलर थे श्री सिद्धराज जयसिंह, उन्होंने कंप्लीट करवाया। द टेम्पल वॉज एन आर्किटेक्चुरल वंडर विद अ थ्री स्टोरी शिखर, 1600 पिलर्स, 12 एंट्रेंस डोर्स, सेंट्रल मंडप एंड पोर्चेस ऑन द ईस्ट, नॉर्थ एंड साउथ एंड सैंक्टम इन द वेस्ट। अब ये जो टेम्पल है अपने आप में क्यों एक आर्किटेक्चुरल वंडर है, क्योंकि इसका जो शिखर है वो 3 मंजिला है, 1600 खम्बे हैं, 12 एंट्रेंस के दरवाजे हैं, बीच में एक सेंट्रल मंडप है और पोर्च बने हुए हैं ईस्ट, नॉर्थ और साउथ की साइड, और पवित्र जगह जो है इनका गृह वो वेस्ट में है। अराउंड द टेम्पल देयर आर 11 श्राइन्स ऑफ रुद्र, और मंदिर के चारों तरफ 11 जो धार्मिक स्थल रुद्र के हैं वो हैं। द ईस्टर्न गेट वॉज अडॉर्न्ड विद ब्यूटीफुली कार्व्ड तोरण विद द फ्लाइट ऑफ स्टेप्स लीडिंग टू द सरस्वती रिवर। ईस्टर्न गेट जो है उसके ऊपर बहुत ही बढ़िया तरीके से कार्विंग करके तोरण बनाई गई है, और वहां पर सीढ़ियां हैं जो सीधे सरस्वती नदी तक ले जाती हैं। द ऑर्नामेंटेशन ऑफ द टेम्पल वॉज एग्जुबरेंट एज शोन बाय एलैबोरेट एंड डिटेल्ड कार्विंग्स ऑफ द पिलर्स एंड द ब्यूटीफुल तोरण विच आर ओनली रिमेन्स ऑफ द टेम्पल टूडे। जो इस मंदिर की खूबसूरती थी वो इसी बात से पता चलती है कि जो मंदिर में पिलर्स हैं उनमें बड़ी ही बारीक और डिटेल कार्विंग करी गई है, साथ ही साथ जिस तरह से तोरण बनवाई गई है जो खाली कहने को अब मंदिर के अवशेष के तौर पे बची है, वो देखते ही बनती है और उससे मंदिर की भव्यता पता चलती है।